तो फाइनली आदिपुरुष का ट्रेलर आ गया है और कुछ अच्छे खासे इंप्रूवमेंट्स हैं। हमें प्लीज करने का काम तो ट्रेलर ने किया है, बट क्या ट्रेलर इतना अच्छा है कि मूवी को बचा पाए? तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। सो हे गाइस, कैसा हो तुम? मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं रॉकी द वॉचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डाउट टीजर से बहुत ज्यादा सही था ट्रेलर, और कलर ग्रेडिंग की वजह से जो जो सीन्स अच्छे नहीं लग रहे थे उन्हें भी ठीक और इम्प्रूव करने का काम किया है। और ट्रेलर से क्लियर होता है कि मूवी की स्टोरी नैरेट करने वाले हैं हनुमान जी, और ट्रेलर में जो जो कृति सेनन यानी माँ सीता के सीन्स हैं वो अच्छे लग रहे थे। बट अभी भी जो सीजीआई है वो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मतलब जब ट्रेलर में वो वानर एक चाकू जैसी चीज फेंकता है तो क्लियरली दिखता है कि ये सीजीआई है। वो क्या सभी सीजीआई से किए गए जानवर देखते ही पता चलता है? ये तो अभी टिप ऑफ आइसबर्ग है, और कितना बुरा सीजीआई छुपाया है पता नहीं, क्योंकि जो सीन्स हमें टीजर में सबसे ज्यादा खटके थे या ट्रोल हुए थे वो कहा गए उस पर भी काम हुआ था राइट, बट उनपे इम्प्रूव करके हमें इस ट्रेलर में नहीं दिखाया है। जैसे वो रावण के सर और प्रभास के एब्स और वो गोरिल्ला का स्क्रीमिंग सीन और सबसे बड़ा वो रावण का मल्टी डिमेंशनल ड्रैगन या जो भी था, पर अभी भी ना टीजर ना ट्रेलर में उन सीजी कैरेक्टर्स को बोलते हुए नहीं दिखाया है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होगा राम जाने। और ट्रेलर के बीच में जब श्री राम अपने सैनिकों को लड़ने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने भाषण से, तो वो सीन मुझे बहुत बहुत ज्यादा बाहुबली के बैटलफील्ड के सीन की याद दिला रहा था, जब बाहुबली में काल की एक विजय हो रही होती है और सब लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं और बाहुबली बोलता है कि कौन मेरे साथ महाष्मति के लिए लड़ेगा वो सीन। एंड आई एम श्योर कि तुम्हें भी याद आई होगी उस सीन की, और नहीं तो मैं ही बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो गया हूं क्या? वैसे ट्रेलर पूरा बुरा तो नहीं है, ऐसे कुछ अच्छे खासे सीन्स है जो बहुत अच्छे लगते हैं और देख के लगता है कि बजट का यूज यहाँ पर सही किया गया है। जैसे वो श्री राम जी अपने धनुष से बाण मार रहे होते हैं ऊपर की ओर, और जो इफेक्ट दिया है उसे पार्टिकल स्पार्कलिंग टाइप, हाँ वो बढ़िया लग रहा था। और वो रावण साधु के रूप में आता है सीता माँ को हरण करने के लिए, वो भी अच्छा लग रहा था। मतलब रावण का ऋषि का लुक और जो स्टाइलिस्टिक चॉइस लिए लक्ष्मण रेखा को एक बैरियर टाइप दिखाने की, वो सबसे अच्छा लग रहा था। फिर जो बीजीएम बजती है गूसीबम्स देके ही छोड़ती है, मतलब भाई अजय अतुल जहां गूसीबम्स वहां। खैर ये सब असाइड, डर तो इस बात का है कि क्या वो इससे भी बुरा सीजीआई छुपा रहे हैं, और इनफैक्ट हमें पता है कि वो छुपा रहे हैं। और मेरे ट्रेलर से एक और कंप्लेंट ये है जो टीजर से भी थी कि भाई रावण की लंका सोने की थी, गोल्ड की, ना कि कोयले की। क्या कर रहे हो भाई ओम राउत? हाँ पता है कि आप अडेप्ट कर रहे हो एनिमेटेड सीरीज द लीजेंडरी प्रिंस रामा के मूवी से, बट जो फैक्ट्स है वो तो सीधा रखो ना। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि रामायण एक इमोशन है हमारे लोगों के लिए, और अगर आप उसे रूल करने लगोगे तो लोग चुप नहीं बैठेंगे। खैर हम मान के चलते हैं कि आपको ये सब पता है, फिर भी आप ये कर रहे हो तो इससे कोई अच्छी वजह होगी, तो चलिए इसे एक आर्टिस्टिक चॉइस समझते हैं। और मूवी में देखते हैं कि क्या और कैसे आप इन नए जेंजेस के लिए हमारे हिस्ट्री समझाने के लिए एक मॉडर्न वे में मूवी बनाए हो। और जहां तक मूवी के बॉक्स ऑफिस के नंबर की बात है तो विदाउट एनी प्रॉब्लम मूवी का जितना भी बजट है 600 या 700 करोड़ वो तो निकाल ही लेगी। क्यों? क्योंकि प्रभास के फैंस जो साहो जैसी मूवी को 650 करोड़ तक पहुंचा के ब्लॉकबस्टर कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ प्रभास की एक और मूवी सलार जो आ रही है 28 सितंबर को, जो क्लैश होने वाली है एसआरके की जवान के साथ, तो उसके बारे में मैंने यहां बात की है, तो जाके देखो। और आपके सोचते हैं इस आदिपुरुष ट्रेलर के बारे में और आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर। जय हिंद।